आज मेरे घर की थाली में है कर्मा स्पेशल वेज थाली, क्योंकि मेरे झारखंड में कर्मा एक महापर्व के तरह मनाया जाता है और कर्मा से एक दिन पहले जो है तरह तरह का खाना बनता है और कर्मा पर्व का शुरुआत करते हैं। यहाँ लेडीज़ लोग जो है कर्म पर्व मनाने के लिए जो है बहुत सारे पकवान एक दिन पहले बनाती है और अगला दिन फास्ट रखती है। तो मेरे घर में भी कर्म पर्व का बहुत सारा खाना बना था, तो आइए आपको दिखाते हैं आज मेरे घर की थाली में कर्म पर्व के एक दिन पहले क्या क्या खाना बना है। तो यहाँ पर बना है दाल और उधर चावल था, और ये दाल जो है इसमें कद्दू डाल करके बनाए हैं, और ये खाना जो है मेरी मम्मी बनाई है, क्योंकि कर्म पर्व था तो मेरी मम्मी बोली आ जाओ घर पे। और यहाँ है भरवा करेला, आलू दम, और इधर है ओल का चोखा। तो क्योंकि ये कर्म पर्व जो है हम लोग झारखंड में भाइयों के लिए भी मनाते हैं, भाई की रक्षा के लिए, फल नया फल आने की खुशी में, फसल आने की खुशी में, तो बहुत तरीके से मनाया जाता है। ढोल नगाड़ा सब बजता है और जौ भी लगता है इसमें। तो वही मेरी मम्मी आज बोली क्या कि घर में बहुत सारा चीज़ बना है तो आओ आज घर में ही खाना खा लो। तो वही देखिए यहाँ पे मम्मी क्या क्या बनाई है, और मम्मी जो खाना बनाई है बहुत टेस्टी बनाती है मेरी मम्मी खाना। तो देखिए यहाँ दो तीन तरह का सब्ज़ी बनाई है, चावल है। तो इस तरीके से हम लोग आज यहाँ पे मना रहे हैं कर्म पर्व। तो देखिए ये है भरवा करेला, साथ में है आलू दम, दाल वाला कद्दू वाला दाल और ओल का चोखा। तो अभी हम अपने लिए खाना लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोगों को खाना दे दिए। तो यहाँ लग गया मेरा थाली, और 14 तारीख को जो है वो कर्मा पर्व होगा झारखंड में, और उसमें फास्टिंग रखा जाता है। हालांकि हम तो फास्टिंग नहीं रखते हैं, लेकिन एक दिन पहले बहुत सारा पकवान बना करके खाया जाता है। तो वही आज मेरी मम्मी बनाई थी। तो उम्मीद है आज का थाली आपको अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए भरवा करेला जो है ना, इसमें मम्मी प्याज वगैरह लहसुन वगैरह सब डाल करके बनाई है, जो खाने में सच में बहुत टेस्टी लगता है, और आज का थाली भी बहुत यम्मी है।